और पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाबू 3,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। लोकायुक्त पुलिस ने बाबू रमेश प्रसाद शुक्ला को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। संविदाकर्मी ब्रजेश रैक बार से उसका मानदेय बढ़ाने के एवज में 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। इसकी शिकायत संविदाकर्मी ब्रजेश रैक बार ने लोकायुक्त सागर में की। शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस की टीम पन्ना के टाइगर रिजर्व कार्यालय पहुंची, जहां पर बाबू रमेश प्रसाद शुक्ला को रंगे हाथों उन्होंने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। और हम लोग का 22-23 साल होने के बाद कमेटी गठित की गई थी। उस समय पे भदौरिया साहब थे CCF साहब, उनके द्वारा कमेटी गठित की गई थी, जिस पर प्रतिभा शुक्ला मैडम तत्कालीन SDO थी, जो अध्यक्ष थी वहाँ पे, उनने इस कमेटी की रिपोर्ट दी। उसमें पांच लोग कमेटी में थे। हमसे पैसे मांगते रहे लगातार। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं छोटा कर्मचारी हूँ, फिर भी मैंने जोड़ तोड़ के कहा कि चलो मैं पांच पांच करके दे दूंगा। तो 2,000 मैंने कल दिया घर पे और 3,000 आज को करके दिया, ठीक है सर। और हम लोग को इतना परेशान किया जाता है कि नौकरी तक दाव पे आ जाती है। हमने ट्रेप की कार्रवाई की है। आवेदक ब्रजेश रेकवार द्वारा एक शिकायत की गई थी कि उसके कुशल श्रमिक कुशल से उच्च कुशल श्रमिक के पदोन्नति पर जो वेतनमान लगना था, उसके आदेश को लागू कराने के एवज में लेखापाल रमेश शुक्ला द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसको हमने तस्दीक किया। सही पाए जाने पर आज ट्रेप की कार्रवाई की गई और आज हमने रमेश शुक्ला को उनके निवास पर 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। विरोध का मुख्य कारण ये है कि श्री रमेश शुक्ला अवकाश पर थे, और जो जानकारी हम लोगों को ज्ञात हुई है, इस कार्यालय में श्री ब्रजेश रैकवार पदस्थ हैं, जो उनने अपने पिताजी के ऑपरेशन के लिए शुक्ला जी से 10,000 रुपये उधार लिए थे, और शुक्ला जी का 2 महीने बाद रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट के पूर्व उनने अपने उधारी के पैसे की मांग की, तो उन्होंने उसकी शिकायत झूठी शिकायत लोकायुक्त में कर दी, और ये जो कार्रवाई हो रही है पूर्णतः अवैधानिक कार्रवाई हो रही है।